अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सप्लायर या वेंडर लेजर क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एक सप्लायर है कंप्यूटर वर्ल्ड, जो हमें कंप्यूटर के पार्ट्स प्रोवाइड करता है, जिनसे हम परचेज करते हैं कंप्यूटर्स के पार्ट्स। और इसमें सप्लायर लेजर में एक कॉलम है डेट का और एक है टाइप, जिसमें हमें इनवाइस या पेमेंट दोनों में से कोई भी चीज होगी तो वो हमें सिलेक्ट करना है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें इनवाइस या पेमेंट आती है। इसी तरीके से रेफरेंस नंबर होगा, अगर कोई इनवाइस है उसका रेफरेंस नंबर इनवाइस नंबर होगा तो वो हम रेफरेंस के तौर पर दे देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस या अगर कोई परचेज कर रहे हैं तो वो चीज आएगी, या अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो चेक नंबर आ सकता है, तो ये चीजें आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा डेबिट है, डेबिट में जो भी पेमेंट करेंगे वो डेबिट में आएगी और जो भी परचेजिंग करेंगे वो क्रेडिट में आएगी। और जो अगर क्रेडिट में आपके पास यहाँ जो अगर सप्लायर बैलेंस है, इस वक्त ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ये हमें पेमेंट करनी है, इसलिए इसको क्रेडिट में CR शो किया है। इसका भी एक फार्मूला है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे ही वो अगर अगर इसमें अगर कोई भी चीज क्रेडिट होती है तो वो प्लस हो रही है, और जो डेबिट होती है वो माइनस होती है सप्लायर लेजर में। और यहाँ वो शो कर देता है कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट है। अगर माइनस में आएगा, यानी कि पेमेंट हमने अगर ज्यादा कर दी है, तो वो DR शो करेगा। और अगर हमारे पास बैलेंस है, यानी कि ये हमें पेमेंट करनी है, तो ये CR शो करेगा। आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस वक्त मैं जो है वो ये जो कैलकुलेशन इसकी हुई हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इसको हम खुद कर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जितने भी फार्मूले लगे हैं सब डिलीट हो गए, और यहां से इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये फार्मूले तो मैंने डिलीट कर दिए, ये तो आप सिर्फ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है वो ये होता है कि यहां से कि बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहे। उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है, आप इज इक्वल टू टाइप कर दें। इज इक्वल टू के बाद आपने इस जो ओपनिंग बैलेंस है उसको सिलेक्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस में सिलेक्ट हो गया, और जो भी चीज डेबिट होगी वो माइनस होगी, तो माइनस लगाया और इस सेल को सिलेक्ट कर दिया। बैलेंस के नीचे वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर दिया डेबिट वाला, और प्लस जो भी क्रेडिट चीज होगी वो प्लस होगी, तो हमने इसको प्लस पर कर दिया। और जैसे ही हम एंटर करेंगे इसकी कैलकुलेशन होगी, यानी कि ये 50,000 15,000 में जैसे ही प्लस हो गए तो 65,000 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो बाकी की भी कैलकुलेशन आ गई, यानी कि 65 हो गई, और 10,000 जो है वो माइनस हुए तो 55,000 हो गया। इस तरीके 20,000 प्लस हुए 75,000 हो गया, और 15,000 माइनस हुए तो 60,000 बन गया। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन आती रहेगी। इसको मुझे सम करना है तो मैं ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस जैसे ही करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इसने ये रेंज सिलेक्ट की, लेकिन मुझे यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करना है, तो जो भी होगा उसका टोटल यहां आ जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसका टोटल आ गया। इसी तरीके से मैं ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा, तो इसका भी बैलेंस इसका भी टोटल अमाउंट आ गया, क्रेडिट टोटल अमाउंट और डेबिट। और यहां अगर मुझे बैलेंस चाहिए तो बैलेंस क्या है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस को प्लस करना है, ओपनिंग बैलेंस को पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है डेबिट, और प्लस करना है क्रेडिट को। जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या है, 60,000 ये इसका बैलेंस आ गया, यहां शो हो रहा है 60,000 बैलेंस। इस तरीके से ये जो है वो क्या है, यहाँ CR DR हमें शो करवाना है इस कॉलम में, और अगर बैलेंस निल है तो जीरो है तो उसको निल शो करे। तो इसके लिए इफ की कंडीशन हम लगा देते हैं, इफ अगर ये वाला जो सेल है
ये सेल जो है वो अगर इज इक्वल टू बराबर है जीरो के, अगर उसमें जीरो है तो क्या है, कॉमा लगाकर हम शो कर देंगे क्या निल, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ये बताएंगे एक और इफ की कंडीशन लगा दी कि इफ अगर यही सेल ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किसके, जीरो से, अगर जीरो से बड़ा है तो क्या हो, सी आर शो करे, यानी कि ये पेमेंट हमें करनी है। सी आर शो करे और कोटेशन में मैंने इसको लिख दिया और कॉमा लगाकर अगर फॉल्स होती है तो डी आर शो करे। यानी कि इसमें इस फार्मूले को समझ लीजिए कि इफ अगर ये वाला जो सेल है अगर जीरो है तो नील शो करेगा, और फिर उसके बाद एक और कंडीशन लगा दी अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर या तो ये अगर जीरो से बड़ी है तो सी आर शो करेगा यानी कि ये पेमेंट करनी है, अदरवाइज अगर ये छोटी है ये वाला सेल छोटा है जीरो से तो फिर क्या होगा, वो डी आर होगा यानी कि डेबिट बैलेंस होगा। तो जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कराकर एंटर करता हूं तो इस वक्त सी आर आ रहा है, जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो सब में सी आर आ रहा है यानी कि ये पेमेंट हमें करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां जीरो लिख देता हूं तो इसने क्या शो कर दिया, निल, और यहां जो है ये माइनस आ गया तो इसने क्या शो कर दिया, डी आर यानी कि ये पेमेंट करनी है, ये पेमेंट जो है हमें करनी नहीं है बल्कि लेनी है सप्लायर से, हमने एडवांस दे दिया। तो कंट्रोल में जेड कर देता हूं क्योंकि वो हमें एक सीक्वेंस से चल रहा है, मैंने यहां बगैर फार्मूले के जीरो लिख दिया था तो उसने निल शो कर दिया, सही है, और उसकी माइनस में शो किया जिसकी वजह से इसने डी आर शो कर दिया। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है के थ्रू हमने ये सप्लायर लेजर बनाया है जिसको आप अपनी कंपनी वगैरह में यूज कर सकते हैं और जिससे आप अपने सप्लायर का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो काफी जबरदस्त तरीके से आप इसको बना सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।